आजादी की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे आप कहें लाल बाल पाल की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की बात करें, चाहे सरदार पटेल, गांधी, नेहरू की बात करें, या उत्तर प्रदेश के महापुरुष जिन्होंने आजादी की लड़ाई में गोलियां खाई, लाठी खाए और जेल गए, जो हमारे पूर्वजों को गाली दे रही है, उस महिला के बारे में क्या कहना, जिसको इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है, यह इतिहास पढ़े नहीं है, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, किसी विचारधारा को जानते नहीं है, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं जो वो संघीय विचारधारा के संपर्क में आए हैं, उस प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि संघ कभी आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका नहीं रही। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसानों को उपज की सही कीमत मिलना चाहिए, जो कांग्रेस ने हमें बात कही है। दूसरा, यहाँ सिंचाई की बड़ी दिक्कत है, यहाँ के लिए कांग्रेस ने 7,000 करोड़ का पैकेज दिया था जो राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो यहाँ के विकास के लिए तेजी से काम कांग्रेस सरकार बनती है। मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैंने बोला था, छत्तीसगढ़ में वहाँ आरएसएस से कार्यकर्ता है, लेकिन नेता है वो आते हैं नागपुर से। नक्सली भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उसके नेता या तो तेलंगाना के हैं, या महाराष्ट्र के हैं, या उड़ीसा के हैं। इसलिए मैंने कहा कि दोनों मधुमा मजदूर हैं अपने दूसरे प्रदेश के नेताओं। मैं तो माता कौशल्या के प्रदेश से आता हूँ, दक्षिण कौशल कहा जाता है, जहाँ माता कौशल्या के ननिहाल है और ये भगवान राम की धरती है। मैं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ जी, मैं अपने बुआ के घर, दीदी के घर जब आया हूँ, तो मुझे हाथों हाथ नहीं कर सकता, अपने पन्ने बुला के चाय पिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी सौजन्यता उन्होंने नहीं बरती, जबकि छत्तीसगढ़ गए, हमने कभी रोका नहीं उनको, कितनी बार छत्तीसगढ़ गए, लेकिन वो जो जिस प्रकार से व्यवहार किया है वो तो लखनऊ भी बदनाम कर दी। कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और कोई सोच नहीं पाएगा, रिजल्ट उस प्रकार से आएगा। क्या गठबंधन की संभावना है यूपी में? देखिए, पहले तो अखिलेश यादव जी का बयान आ गया, हम गठबंधन नहीं करेंगे, फिर मायावती जी का बयान आ गया, हम गठबंधन नहीं करेंगे, और 3 दिन पहले प्रियंका जी ने भी कहा कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो जो निर्णय लेने वाले लोग हैं उसका बयान आ गया, तो मेरे खत कहने नहीं करने का कोई मतलब नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।